हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉम ब्यूटी। और मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैंने अपने फेस पे फिलहाल कुछ भी मेकअप नहीं किया, और इसीलिए नहीं किया क्योंकि आज हम फिर से बनाने वाले हैं एक धांसू सा DIY रेसिपी। और मैंने अभी अभी इसको अपने फेस पे अप्लाई किया है, और आप लोग देख रहे हो कि कितना ज़्यादा ग्लो कर रही है मेरी जो स्किन है। और आप सभी जानते हो कि मेरी जो है वो ड्राई स्किन है, और आप लोग एक खूबसूरत सा ग्लो अभी देख रहे हो क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसको ट्राई कर रही हूँ, और आज वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम बनाएंगे एक ग्लोइंग विटामिन सी सीरम, और ऑफ कोर्स वो DIY होगी, और ऑफ कोर्स वो पॉकेट फ्रेंडली भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी स्किन केयर में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी तो वो होगी विटामिन सी सीरम, यानी कि विटामिन सी। और विटामिन सी अगर आपको मिले अंदर से भी और बाहर से भी, तो आपके लिए, आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। और मार्केट वाली जो विटामिन सी सीरम्स होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ₹1200 से नीचे तो कोई भी सीरम नहीं मिलता। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर वही सीरम अगर आप पाले और उसे आधी से भी आधी बजट में, तो फिर हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। लेकिन मैंने जब इसको बनानी सोची, तो आप लोग सभी तो जानते हो कि विटामिन सी के जो टैबलेट्स आते हैं मार्केट में, उसे हम बना सकते हैं। तो मैंने भी वही चाहा कि विटामिन सी के टैबलेट से ही बना लूं। लेकिन फिलहाल मार्केट में कोई भी ऐसी विटामिन सी की टैबलेट्स अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। ओनली एक ही अवेलेबल है, और वो है ये लिमसी। और ये लिमसी टैबलेट में भर भर के शुगर कंटेंट है, और इसीलिए ये हमारे कोई काम की नहीं है। आप लोग इसको खा ले अच्छा रहेगा, लेकिन स्किन केयर के लिए ये कोई काम की नहीं है। अगर कोई आपको बोले कि मीठा वाला जो विटामिन सी टैबलेट्स है उसको ही आप तोड़ के विटामिन सी सीरम बना लो, तो वो बिल्कुल झांसा दे रहा है आपको। तो ये आप बिल्कुल मत सुने। और मैंने 2 महीने पहले ही इसको बनाने की सोची, लेकिन मैंने पूरा का पूरा 1 महीना गवा दिया इसको खोजने में। ये टैबलेट को कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है ये टैबलेट, जो कि जिसे कि हम बना सके। और तभी से मैंने अल्टरनेटिव सोचने लग गई, और बहुत सारी खोज करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ों को मिलाकर ही एक विटामिन सी सीरम हम बना ले, जो कि वो महंगी वाली जो विटामिन सी का सीरम है उसी तरीके की इफ़ेक्टिव भी होगी, और पॉकेट फ्रेंडली भी होगी। और सबसे बड़ी जो बात है, इस सीरम को आप स्टोर करके भी रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको आप कुछ भी कंटेनर में यूज़ करो, डार्क कंटेनर की भी ज़रूरत नहीं है आपको। 7 दिनों में इसको खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने मनचाहे अमाउंट में इसको बनाओ और खर्च करो। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आपको इस वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक तो करनी पड़ेगी, और कमेंट में भी लिखना कि कैसा लगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट विल मीन अ लॉट टू मी। और बगल में जो वो छोटी सी घंटी है उसको भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। तो फाइनली चलिए देख लेते हैं। ग्लोइंग विटामिन सी सीरम बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी एक क्लीन कंटेनर और एक स्पैटुला। अब मैं लूँगी गुड वाइब्स का ये ऑरेंज जेल। ये ऑरेंज जेल जो है ये बिल्कुल पैराबन फ्री, SLS फ्री और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, और ये बिल्कुल लाइट वेट जेल है और एनरिच्ड विथ ऑरेंज एक्सट्रैक्ट। और ऑरेंज में सभी को पता है कि भरपूर मात्रा में है विटामिन सी, और ये स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग करती है, और डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस को भी लाइटनिंग करती है, स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करती है, और स्किन टोन को भी इवन आउट करती है, और ओवरऑल एनहेंस योर स्किन हेल्थ। तो मैं यहाँ पे 2 स्पैटुला भर के लूँगी ऑरेंज जेल, मैं यहाँ पे कंटेनर में ले रही हूँ। 2 स्पैटुला आपको लेना पड़ेगा।
और अब मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का ये ग्रीन एप्पल जेल। आपके पास अगर एक ही है या फिर ऑरेंज या फिर एप्पल, आप एक ही यूज़ करना। मेरे पास दो है इसलिए मैं इसको भी यूज़ कर रही हूँ। इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, और ये जो है आपके स्किन को नरिश करती है, आपके स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाती है और ओवरऑल स्किन के डैमेज को प्रोटेक्ट करती है। तो ये भी मैं एक स्पैटुला भर के लूँगी इसमें ग्रीन एप्पल जेल गुड वाइब्स का। और ये भी है बिल्कुल पैराबेन फ्री, SLS फ्री और क्रुएल्टी फ्री। और अब मैं यूज़ करूँगी ये दो मास्टरपीस, और एक है लेमन एसेंशियल ऑयल और एक है ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। आपके पास अगर किसी भी एक एसेंशियल ऑयल हो आप उसको ही यूज़ कर सकते हो। लेमन एसेंशियल ऑयल जो है वो उसमें विटामिन सी जो है भर भर के होती है, जो कि आपके एक्ने को रिड्यूस करती है, स्किन टाइटनिंग और लाइटनिंग में हेल्प करती है, डार्क स्पॉट्स रिमूव करती है, और ये बहुत ही अच्छी एक एंटीसेप्टिक है जो कि रिंकल्स को प्रिवेंट करती है और आपके स्किन से एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करती है, जो कि आपको पोर्स को क्लॉक करके ब्लैक हेड्स देती है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके स्किन के लिए। और ऑरेंज एसेंशियल ऑयल भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, विटामिन सी है इसमें भर भर के, जो कि आपके स्किन को ब्लेमिशेस फ्री करके क्लियर रखती है, और इसमें भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ है, एक्ने को क्लियर करती है और डैमेज कंट्रोल करती है और रिंकल्स को भी प्रिवेंट करती है। और इसमें मैं दो ड्रॉप ऑरेंज एसेंशियल ऑयल दे रही हूँ, और अब मैं इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल भी दूंगी और उसको भी टू ड्रॉप्स ही काफ़ी है, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और मैं यहाँ पे दो यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज एंड लेमन, क्योंकि मेरे पास दो है। अगर आपके पास किसी एक है तो आप उसको ही यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें मैं अभी मिला दूंगी सब कुछ एक साथ। इसको आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो, स्पेशली जिसको बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं इसमें मिलाऊंगी एक विटामिन ई की कैप्सूल, और ये मैं ले रही हूँ ईवियन 400, और इसमें से एक कैप्सूल को मैं काट के दूंगी, जो कि इजीली अवेलेबल है किसी भी केमिस्ट शॉप में। और विटामिन ई जो है वो आपके एक्ने स्कार्स को हील करती है और आपके जो परमानेंट मार्क्स होती है उसको डिमिनिश करती है और आपके स्किन को सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाती है। और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपके स्किन के डैमेज को प्रोटेक्ट करती है। तो मैंने इसमें मिला लिया है एक विटामिन ई की कैप्सूल को काट के उसका जो ऑयल है, और सब कुछ मैं एक साथ मिला दूंगी अभी यहाँ पे। और अगर आप इसको यूज़ करोगे तो अलग से किसी भी, स्पेशली समर में अलग से किसी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको क्लींजिंग एंड टोनिंग के बाद इस्तेमाल करना, और आपको किसी भी दूसरा चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने के बाद। ये आपके रिंकल्स को भी घटाएगा, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक एंटी एजिंग सीरम है। और देखो इसका टेक्सचर कितनी ज़्यादा अच्छी हो रही है और कलर भी चेंज होने लगा है। और ऐसे ही मैं चलाऊंगी थोड़ी सी, और देखो ये बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा ग्लोइंग विटामिन सी सीरम। और इट स्मेल्स लाइक हेवन गाइज, इट स्मेल्स लाइक हेवन। बहुत ही अच्छी एक सिट्रस खुशबू है, और अभी मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ट्रस्ट मी। मैं इसको लगातार एक महीने से यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट एंड नरिश्ड स्किन हो गया है, ग्लोइंग स्किन हो गया है। और अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, प्लीज़, इट विल मीन अ लॉट टू मी। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।